सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज फिर से चुका का भाई एक और न्यू धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो के थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया है जो कि फाइनली अपना रेजिडेंट टैंक गेम के अंदर ऐड हो चुका है। आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे भाई अपना रेजिडेंट टैंक को गेम के अंदर कब तक ऐड करा रहे हो। मैंने आप लोगों को बताया था भाई सब 2 से 3 दिन के अंदर अपना रेजिडेंट टैंक गेम के अंदर ऐड हो जाएगा। फाइनली आपके भाई ने रेजिडेंट टैंक गेम के अंदर ऐड करा दिया है। चलते फटाफट अपने न्यू मैप में और आप लोगों को अपना रेजिडेंट टैंक दिखा देते हैं और अपने रेजिडेंट टैंक में क्या क्या ऐड हुआ है वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे भाई सब अपना जो रेजिडेंट टैंक है वो फाइनली अपने गेम के अंदर ऐड हो चुका है। और दोस्तों अपने रेजिडेंट टैंक में कैसी कैसी मॉडिफिकेशन ऐड हुई है वो आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और आप लोगों को मतलब अच्छे से बताने वाला हूँ अपनी मॉडिफिकेशन में क्या क्या ऐड हुआ अपने रेजिडेंट टैंक में। दोस्तों आप लोगों को वो भी दिखाने वाला है और अपने रेजिडेंट टैंक से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, सभी मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ और अपने न्यू अपडेट से रिलेटेड भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट पे कमेंट आ रहे भाई अपना न्यू अपडेट कब आएगा न्यू अपडेट दे दो नहीं तो गेम को डिलीट कर देंगे। पहले अपने मतलब जो भाई सब रेजिडेंट टैंक के ऊपर अपने जो कमेंट बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे भाई रेजिडेंट टैंक कब तक ऐड होएगा, गेम को डिलीट कर देंगे, रेजिडेंट टैंक ऐड करो। दोस्तों फाइनली आपके भाई ने जो रेजिडेंट टैंक है वो तो ऐड करा दिया, लेकिन अपने न्यू अपडेट कब तक आने वाला है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस वीडियो का एंड तक वॉच करना यार, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ यार अपने रेजिडेंट टैंक में कैसी कैसी मॉडिफिकेशन ऐड हुई है वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है लेकिन वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। बस वीडियो का एंड तक देखते रहना, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हाँ यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल बटन को ऑल पे दबा दो ताकि जो भी मेरे गेम से रिलेटेड न्यू वीडियो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इसी चैनल पर आप लोगों को यार न्यू अपडेट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। न्यू अपडेट कब तक आएगा, न्यू अपडेट में क्या क्या आएगा, क्या क्या रेडी हो चुका है और क्या गेम के अंदर ऐड होने वाला है और कब तक ऐड होने वाला है, दोस्तों सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अपने न्यू अपडेट से रिलेटेड इसी चैनल पर मिलती रहेगी। फिर से कह रहे हैं यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे दबा दो। दोस्तों चलते फटाफट यार आप लोगों को दिखा देते हैं अपना रेजिडेंट टैंक कौन कौन सी मैप में ऐड हुआ है और नहीं हुआ है, क्या क्या मॉडिफिकेशन ऐड किए हैं या फिर नहीं किए हैं, आप लोगों को यार सभी चीज़ें दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में अपने रेजिडेंट टैंक से रिलेटेड। और आप लोगों को न्यू अपडेट कब तक मिलने वाला है वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ क्योंकि यार आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं अपना न्यू अपडेट कब तक आएगा, न्यू अपडेट में क्या क्या आएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को ये तो बता रहा है न्यू अपडेट में क्या क्या आएगा, लेकिन मैंने आप लोगों को ये नहीं बता रहा कि भाई अपने न्यू अपडेट कब तक आने वाला है। दोस्तों सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ, बस वीडियो का एंड तक देखते रहना। दोस्तों जल्दी बड़े आप लोगों को अपने जो रेजिडेंट टैंक दिखा देते हैं अपने रेजिडेंट टैंक में कौन कौन सी मॉडिफिकेशन ऐड की है और कौन कौन सी मॉडिफिकेशन ऐड नहीं की है। दोस्तों अपने जो मॉडिफिकेशन में चलते हैं और मॉडिफिकेशन में जाने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे बस अपना रेजिडेंट टैंक में कौन कौन सी मॉडिफिकेशन ऐड की है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कार मॉडिफिकेशन, डीजे मॉडिफिकेशन और बाइक मॉडिफिकेशन, ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन और दोस्तों अपने जो ट्रॉली लोडिंग का दोस्तों अपने ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन में चलते हैं। और दोस्तों ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन में जाने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे भाई साहब पहले अपना जो स्टंट मोड है वो अच्छे से वर्क कर रहा है फिर नहीं कर रहा है अपने रेजिडेंट टैंक में। दोस्तों स्टंट मोड मैंने लगा दिया है, अब देखते हैं भाई साहब अपना स्टंट मोड अपने रेजिडेंट टैंक में अच्छे से वर्क कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, आप लोगों को पहले ये दिखा देते हैं क्योंकि यार अपना जो स्टंट मोड है भाई साहब वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों जो अपना जो स्टंट मोड है भाई साहब वो तो अच्छे से वर्क कर रहा है, आप लोग देख सकते हो यार एक सेकंड शॉट ले लिया मैंने थंबनेल में दिखाने के लिए। दोस्तों अब चलते हैं दोबारा से अपने कस्टमाइज में और कस्टमाइज में जाने के बाद मॉडिफिकेशन में और यहाँ से देखते हैं भाई अपनी ट्रॉली लगा के ट्रॉली अच्छे से लगती है फिर नहीं लगती है। दोस्तों ट्रॉली लगा दी मैंने, आप लोग ये देख सकते हो भाई साहब ट्रॉली अच्छे से सेट नहीं हो रही है भाई साहब अपनी ओल्ड वाली ट्रॉली, लेकिन अपनी जो बिग ट्रॉली वो अच्छे से सेट होगी फिर नहीं होगी। आप लोगों को बिग ट्रॉली भी लगा के दिखा देते हैं, अपनी ओल्ड वाली ट्रॉली तो अच्छे से सेट नहीं हो रही है, अपने जो म्यूजिक सिस्टम के अंदर ही जा रही थोड़ी सी, इसको अच्छे से सेट करेंगे बेफिक्र रहो। चलते यार अपनी बिग ट्रॉली लगा के दिखा देते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों ये देख सकते हो अपनी बिग ट्रॉली तो मतलब अच्छे से थोड़ी सी सेट हो रही है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बिग आ रहा है, कोई नहीं यार इसको भी थोड़ा सा अच्छे से मतलब सेट कर देंगे बेफिक्र रहो। अपनी बिग ट्रॉली को भी मतलब ठीक से अच्छे से सेट कर देंगे बेफिक्र रहो। अपना जो थ्रेसर है वो लगा के दिखा देते हैं आप लोगों को, अपना थ्रेसर कैसे सेट होता है फिर नहीं होता है, अपने थ्रेसर में भी कुछ इशू आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। दोस्तों अपना थ्रेसर में वैसे थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन ये भी थोड़ा सा अच्छे से मतलब अच्छे से ऐड मतलब जो सेट नहीं हो रहा है, लेकिन कोई नहीं वैसे इसको भी अच्छे से सेट कर देंगे। मतलब जो इसका म्यूजिक सिस्टम है भाई वो थोड़ा सा बड़ा है। कल्टीवेटर लगा के दिखा देते हैं, कल्टीवेटर लगते हैं फिर नहीं लगते हैं। दोस्तों ये कल्टीवेटर देख सकते हैं भाई साहब अपने कल्टीवेटर तो भाई साहब इसका भी थोड़ा सा ऊपर से मतलब जो सिस्टम है वो मतलब म्यूजिक सिस्टम में अड़ रहा है। दोस्तों कोई नहीं भाई साहब अपना जो कल्टीवेटर है उसको भी अच्छे से सेट करेंगे, मतलब सारे सिस्टम सेट कर
करना पड़ेगा भाई सभी इसमें दोबारा से रोटावेटर लगा के दिखाते हैं। रोटावेटर तो मतलब इसमें भी थोड़ा सा इशू आ रहा है शायद, और अपना जो रोटावेटर है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। पुलाव भी भाई साहब पुलाव भी थोड़ा सा ऊपर टच हो रहा है, कोई नहीं इसको भी ठीक कर देंगे। अपना जो एरो है वो लगा के दिखा देते हैं आप लोगों को दोस्तों। अपना एरो भी भाई साहब थोड़ा सा ऊपर से टच हो रहा है, कोई नहीं भाई साहब। अपने जो बम्पर चैन है वो आप लोगों को लगा के दिखा देते हैं कि आपने बम्पर चैन वर्क कर रही है फिर नहीं कर रही है। अपने मतलब जो रेसिंग टैंक के ऊपर बम्पर लग रहा है उसमें दोस्तों बम्पर चैन वर्क नहीं कर रही है, आप लोग देख सकते हो। कोई नहीं भाई साहब, अपने जो बम्पर चैन है उसको भी अच्छे से सेट करेंगे भाई साहब। अपने जो रेसिंग टैंक में बम्पर चैन भी लगाएंगे। चलते हैं अपना जो है भाई साहब म्यूजिक सिस्टम वो अच्छे से वर्क कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, मतलब अपना जो म्यूजिक सिस्टम है आप लोग अपना म्यूजिक सिस्टम चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते हो दोस्तों। चलते फटाफट आप लोगों को अपना जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी दिखा देते हैं दोस्तों। ये देख सकते हो भाई अपना म्यूजिक सिस्टम तो मतलब अच्छे से वर्क कर रहा है अपने रेसिंग टैंक के ऊपर, लेकिन जो भाई साहब अपने रेसिंग टैंक का जो मॉडिफिकेशन है वो और दूसरे ट्रैक्टर पर वर्क करेगी फिर नहीं करेगी वो भी आप लोगों को दिखाने वाला है। वो दोस्तों अपना जो म्यूजिक सिस्टम है रेसिंग टैंक का वो गेम के अंदर ऐड हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। मैंने लगा के दिखाया अभी फिलहाल दोस्तों। इसमें एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप लोगों को थंबनेल में दिखाने के लिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। चलते हैं अपना जो रेसिंग टैंक का म्यूजिक सिस्टम था वही अपने रेसिंग टैंक के ऊपर लगा लेते हैं, और फिर अपने जो बिग ट्रॉली यार वो भी एक बार लगा के दी मतलब जो स्क्रीनशॉट यार वो ले लेते हैं, क्योंकि यार थंबनेल में आप लोगों को दिखाना बचा हुआ अपने बिग ट्रॉली लगती है फिर नहीं लगती है दोस्तों। अब चलते यार कस्टमाइज में दोबारा से यहाँ से अपने जो बिग ट्रॉली है वो लगा लेते हैं भाई साहब एक बार, और अपना जो स्क्रीनशॉट है वो ले लेते हैं, फिर आप लोगों को और भी मॉडिफिकेशन दिखाएंगे। मैंने यार इसका जो स्क्रीनशॉट है वो नहीं लिया था दोस्तों, थोड़ा सा उसके लिए सॉरी यार। अपना जो है मतलब थोड़ा सा बैक करना पड़ा मेरे को ये दोस्तों। अब जो आप लोगों को दिखाते हैं भाई अपना जो स्टेयरिंग है वो अच्छे से सेट हो रहा है फिर नहीं हो रहा है अपनी मोटिवेशन में तो दोस्तों। ये देख सकते हो अपना स्टेयरिंग भी मतलब अच्छे से वर्क कर रहा है भाई साहब, आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके देख लेना वीडियो को दोस्तों। आप लोगों को ये दिख रहा होगा मतलब अपना जो स्क्रीन सॉरी यार अपना जो स्टेयरिंग है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। आप लोगों को बम्पर और दिखा देते हैं, बम्पर मतलब वर्क कर रहे हैं फिर नहीं कर रहा है दोस्तों। आप लोग ये देख सकते हो भाई अपना बम्पर है, और दोस्तों अपने जो बम्पर भी मतलब बम्पर के ऊपर जो चैन है वो लग रही है, लेकिन अपने जो है रेसिंग टैंक के ऊपर मतलब बम्पर है उसके ऊपर चैन नहीं लग रही है। मैंने अपना जो चैन का ऑप्शन है वो ऑन कर रखा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो दोस्तों। चैन का ऑप्शन मैंने ऑन कर रखा है, ये सभी बम्पर पे आ रहा है, लेकिन अपना जो रेसिंग टैंक का बम्पर है उसके ऊपर नहीं आ रहा है दोस्तों। इसके ऊपर भी मतलब रेसिंग टैंक के ऊपर जो बम्पर है उसके ऊपर भी चैन लगाएंगे, बेफिक्र यार दोस्तों। एक और स्क्रीन शॉट ले लेते हैं मैं आप लोगों को, यार बहुत ज़्यादा स्क्रीन शॉट ले रही है। आप भी बोलोगे भाई इतना ज़्यादा स्क्रीन शॉट क्यों ले रहे हो दोस्तों, आप लोगों को दिखाना पड़ता है भाई थंबनेल में दोस्तों। आप चलते हैं यार अपना जो सिलेंसर है वो लगा के दिखा देते हैं, मतलब सिलेंसर वर्क कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग ये देख सकते हो भाई ये क्या है, सिलेंसर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है भाई अपना जो रेसिंग टैंक के ऊपर अभी फिलहाल, क्योंकि यार अपना जो दूसरा वाला मतलब जो रेसिंग टैंक का सिलेंसर है वो हट ही नहीं रहा, और जो और वाले सिलेंसर मतलब और दूसरे सिलेंसर है वे ही लग रहे हैं। और दोस्तों जो इस तरफ मतलब राइट तरफ जो सिलेंसर लगते हैं वे रेसिंग टैंक के ऊपर के जो सिलेंसर उसी के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन कोई नहीं भाई साहब ये स्क्रीन शॉट मैंने ले लिया, मतलब ये सिलेंसर मैंने लगा दिया है दोस्तों। अपने जो सिलेंसर भाई साहब वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, कोई नहीं उसको मतलब ठीक कर देंगे। अब चलते हैं यार अपने जो बैक व्हील है भी चेंज करके दिखा देते हैं दोस्तों। अपने बैक व्हील भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, लेकिन अपने बैक व्हील में भाई साहब अपने जो रेसिंग टैंक के बैक वाले टायर है वे मतलब ऐड नहीं किया अभी फिलहाल, कोई नहीं भाई उनको ऐड कर देंगे बेफिक्र रहो। अपने जो बाकी रह चुके हैं मॉडिफिकेशन वो ऐड कर देंगे बेफिक्र रहो, आप लोगों को सभी मॉडिफिकेशन मिलेगी अपने रेसिंग टैंक में और इसी अपडेट में बेफिक्र रहो यार। अब चलते यार आप लोगों को मतलब अपने जो रेसिंग टैंक में और क्या क्या ऐड किया है वो आप लोगों को दिखा देते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया मॉडिफिकेशन में तो सब कुछ ऐड कर दिया है, लेकिन अपने जो व्हील्स है उनमें आप लोगों को दिखा देते हैं अपने व्हील्स में क्या क्या ऐड किया, क्या आप लोग अपने रेसिंग टैंक में जो टायर है उनको छोड़ा है फिर बड़ा है या फिर ऊंचा या फिर कुछ भी आप लोग कर सकते हैं छोटा बड़ा वे आप लोग कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते वो आप लोगों को दिखा देते हैं यार। तो दोस्तों दोबारा से चलते हैं अपने कस्टमाइज में, और कस्टमाइज में जाने के बाद अपना जो है यार व्हील्स में जाना पड़ेगा हम लोगों को दोस्तों। आप लोग इसकी लुक चेक कर सकते हैं, वैसे आप लोगों को इसकी लुक कैसी लग रही है दोस्तों, ये थोड़ा सा वीक आ रहा है, वैसे भी इसको सॉल्व करेंगे बेफिक्र रहो। अपने जो ट्रैक्टर पर वैसे भी ये जब जब कर रहा है इसको सॉल्व करेंगे बेफिक्र रहे यार, मतलब एपीके इसीलिए दिया जाता है हम लोगों को ताकि इनको चेक करें और फिर अपने जो नितेश भाई को मतलब बताएं दोस्तों। अपने जो भाई साहब सिलेंसर सॉरी यार अपने जो व्हील्स है वो अच्छे से वर्क कर रहा है भाई साहब, आप लोग देख सकते हो व्हील्स मॉडिफिकेशन भी दोस्तों। आप लोग ये देख सकते हो भाई साहब जहाँ पर अपना रेसिंग टैंक लिख रहा है वहाँ पर जब जब कर रहा है, मतलब पेंट कभी कभी दिख रहा है कभी कभी नहीं दिख रहा है दोस्तों। जो ये प्रॉब्लम भाई साहब इसको सॉल्व करके ही आप लोगों को अपडेट देंगे बेफिक्र रहो आप लोग। वैसे यार मेरे पास मतलब 12256 GB में मतलब जो फ़ोन है वो है, और दोस्तों जिसके पास 32 में है उसके पास तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो गेम है वो बिक करेगा दोस्तों। इसी कारण आप लोगों की ये जो प्रॉब्लम है भाई साहब ये सॉल्व करके ही आप लोगों को अपडेट देंगे बेफिक्र रहो यार। जिसके पास 32 है या फिर 400 है उसके फ़ोन में भी अपना जो गेम है वो अच्छे से चलेगा बेफिक्र रहो, अच्छे से वर्क करेगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और दोस्तों अपने जो कार के टायर है भाई साहब वो भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं अपने रेसिंग टैंक के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। लेकिन अपने जो कार के टायर है भाई साहब वो अच्छे से सेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अपने कार के टायर है वे छोटे टायर है, इसको यार अपने जो बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन यार हम लोगों को ये लगाने नहीं है भाई, सब अपने जो ट्रैक्टर के टायर है वही लगाएंगे। दोस्तों ये टायर मैंने लगा दिया, आप देख सकते हो अपने जो ट्रैक्टर की लुक कुछ ऐसी लग रही है। आप लोगों को यार अपने जो ट्रैक्टर की लुक वो कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपना जो रेसिडेंट टैंक है वो कैसा लगा, अपना गेम के अंदर गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा वो भी कॉमेंट में जरूर बताना। अब चलते यार अपना जो है बस रेसिडेंट टैंक अपने ओल्ड मैप में ऐड किया है फिर नहीं किया है, अपने फार्मिंग वाले मतलब फार्मिंग वाले मैप में ऐड किया है फिर नहीं किया है, दोस्तों वो आप लोगों को दिखा देते हैं। और हाँ यार अपने न्यू अपडेट से रिलेटेड आप लोगों की बोलते हैं तो कमेंट पे कमेंट आ रहा है भाई, अपने न्यू अपडेट कब तक आएगा, न्यू अपडेट में क्या क्या आएगा। दोस्तों न्यू अपडेट में क्या क्या आने वाला है वो तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, लेकिन अपना जो न्यू अपडेट है भाई साहब वो आप लोगों को नहीं बताया कब तक आने वाला है। और दोस्तों अपने जो बिग ट्रोल की जो लिफ्ट सिस्टम है भाई साहब मतलब हाइड्रोलिक का जो सिस्टम है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है, आप लोग ये देख सकते हो। अब जल्दी अपने यार अपने जो है मतलब ओल्ड वाले मैप में और फिर आप लोगों को अपने न्यू अपडेट से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन देनी है। अपने ओल्ड वाले मैप में अपना जो रेसिडेंट टैंक ऐड किया है फिर नहीं किया है वो आप लोगों को दिखा देते हैं। दोस्तों ऑप्शन में चलते हैं यार फटाफट, और ऑप्शन में जाने के बाद आप लोगों को अपना रेसिडेंट टैंक दिखा देते हैं ऐड किया है फिर नहीं किया है। दोस्तों जल्दी फटाफट अपने ऑप्शन में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई साहब यहाँ पर अभी फिलहाल तो कोई भी रेसिडेंट टैंक नहीं आया है। आप लोग ये देख सकते हो भाई साहब अपना महिंद्रा 265 से नीचे कोई भी ट्रैक्टर नहीं है अपने मतलब ओल्ड वाले मैप में। दोस्तों अपना जो है मतलब ओल्ड वाले मैप में अपना रेसिडेंट टैंक ऐड नहीं हुआ अभी फिलहाल। अब जल्दी अपने जो फार्मिंग वाले मैप में आप लोगों को दिखा देते हैं। दोस्तों फार्मिंग वाले मैप में आप लोगों को अपना जो रेसिडेंट टैंक है वो ऐड किया है फिर नहीं किया है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते भाई सभी यहाँ पर अपना जो रेसिडेंट टैंक है वो ऐड नहीं किया है, यहीं पर भी अपना जो लास्ट वाला ट्रैक्टर है 265 है। दोस्तों अपना जो रेसिडेंट टैंक है वो सभी मैप में जल्दी आने वाला है बेफिक्र हो। चलते यार अपने न्यू अपडेट से रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं भाई साहब। अपना जो न्यू अपडेट से रिलेटेड इतना ज़्यादा कमेंट पे कमेंट आ रहा है अभी फिलहाल न्यू अपडेट कब आएगा, न्यू अपडेट कब आएगा भाई आप लोगों को बता देते हैं। अपना न्यू अपडेट अभी फिलहाल नहीं आने वाला, आप लोगों को बता देते हैं न्यू अपडेट में टाइम लगने वाला है बहुत ही ज़्यादा टाइम, क्योंकि अपना न्यू अपडेट है भाई साहब वो बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। और दोस्तों अब आप लोगों को दिखाते हैं भाई अपने रेसिडेंट टैंक की मॉडिफिकेशन और दूसरे ट्रैक्टर में ऐड किया है फिर नहीं किया है। दोस्तों अपने जो रेसिडेंट टैंक का जो म्यूजिक सिस्टम है भाई वो किसी ट्रैक्टर में भी ऐड नहीं किया अभी फिलहाल, अपने रेसिडेंट टैंक की मॉडिफिकेशन सभी ट्रैक्टर में ऐड करेंगे बेफिक्र हो, जल्दी आने वाली है। दोस्तों इस वीडियो मैंने आप लोगों को अपने रेसिडेंट टैंक की सभी मॉडिफिकेशन दिखा दी है, क्या क्या ऐड किया क्या क्या ऐड नहीं किया अपने रेसिडेंट टैंक में। और दोस्तों अपने जो रेसिडेंट टैंक है वो मतलब अपने गेम के अंदर ऐड हो चुका है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लेना। अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपना जो है भाई साहब एक और न्यू सिस्टम मिलने वाला है। दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो और देख लेना, उस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों इस वीडियो का इंप्रेंट करते मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय गाइस।